भाई अस्सलामुअलैकुम। मैं आरटीओ के काम से आया था, यहाँ नई गाड़ी लिया था। मैं आरटीओ से शोरूम से नई गाड़ी लिया था, तो अंदर काउंटर पे 3 नंबर काउंटर पे चेक करा लिया। उन्होंने पूरा फाइल्स ओके कर दिए, फ़ोटोस वगैरह डाल दिए मेरा। जाके कांस्टेबल से चेक करा लो बोले, अंदर का काम तो हो गया। अब कांस्टेबल के पास जाके चेक कराया मैं, कांस्टेबल बोल रहे यहाँ पर स्क्रैच करवानी है, दूसरे पेपरों पर स्क्रैच करने का है बोल के यहाँ पर बीच में स्क्रैच कराए। उसके बाद में यहाँ पर है ना प्राइस लिस्ट नहीं है बोल के प्राइस लिस्ट बोल के डाल दिया मेरे को। जाके चेंज करा दिया हमें, प्राइस लिस्ट लेके आने के बाद में भी बोल रहे प्राइस लिस्ट के ऊपर स्टैंप नहीं है बोल के। अभी इन्होंने मेरा 20,000 छोड़ दिए। क्या करना समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ पर ऐसा मेरे को दिख रहा रिश्वत खाने के चाले, यहाँ दिख रहा दो तीन तरफ दिख रहा रिश्वत खाने के चाले। अब यहाँ पर क्या करना। और जैसे मैं बोले तो 2 दिन पहले भी आया था मैं यहाँ पर, वो ज़रा पेपर्स के लिए इंश्योरेंस वो कराने के लिए कैंसिल के लिए आया था मैं। स्लॉट बुक करा लिया बाहर से। स्लॉट बुक कराने के बाद में अपन बुक कराने के टाइम पे वहाँ पर अमाउंट वगैरह कुछ भी नहीं दिखा। अभी नो बोल रहे हैं यहाँ पर नीचे जाके काउंटर नंबर 5 वाले बोल रहे हैं नीचे जाके उनसे मिल लो, काला सर का आदमी है उनसे मिल लो, दे दो उनको 1,000 रुपये बोल के। काउंटर नंबर 5 वाले काला सर का आदमी नीचे कोने की सेलर में नहीं मिला हमें, वैसे छोड़ दे के चले गया। क्या है उनका नाम तो अपने को आइडिया नहीं है। अपन आते जाते ना यहाँ पर नीचे जो है कौन प्राइवेट है कि गवर्नमेंट के है कि भाई उतना आइडिया नहीं है। मैं नहीं मिला उनसे, ले लेके चले आई के दियो बोले कि क्या नहीं कि ना जाके उनसे मिलो बोल के बोल रहे काउंटर नंबर 5 वाले। अब मेरा काम तो बीच है रुक गया। अब मैं यहाँ पर प्राइस लिस्ट लेके आने के बाद में भी मेरे को बोले इसके ऊपर स्टैंप नहीं है, स्टैंप मार के बोल के बीच हदर भी जा दिए मेरे को। अब क्या करना उसका मेरे को समझ में नहीं आ रहा। अभी ना मैं आपको बुला के ये लोगों के बारे में बोल रहा हूँ, बीच में भी मेरा काम लोग रुका देंगे। अब मेरा काम रुका है तो डायरेक्ट मैं सीएम ऑफिस जाके बैठ जाने वाला हूँ। और उस्मानिया हॉस्पिटल में भी रिश्वत चल रही भाई, और जैसी खानों में भी चल रही, हर तरफ गवर्नमेंट के तरफ में रिश्वत चल रही है। अब रिश्वत चल रही बोले तो हम जैसे गरीबों का क्या होता। अब हमारे को दो दिन काम पे छुट्टी मार रही है समझो, 2 दिन की सैलरी कट जाता। भाई भी टेक्नीशियन हूँ, सैलरी बेस पे रहता हमारा, 2 दिन का वो हो गया। हुकूमत से चाह रहे इंसाफ होना यहाँ पर। अभी रिश्वत ऐसा पूछ रहे, हमारी तनख्वाह महीने को दिन को पड़ती है अपने को 500 रुपये, अभी 1,000 रुपये ऐसा पूछ ले रहे। अब हमला गरीबों का क्या होता है, क्या तो भी करना चाह रही क्या 1 किलो। आरटीओ ऑफिस पे नज़र रखो साहब, आरटीओ ऑफिस के ऊपर पीछे रिश्वत ऐसे खोरा आ गए, रिश्वत खोरा ही चाहे पूरे यहाँ पर खाली जब आए जब रिश्वत पूछ रहे हैं यहाँ पर। समझ में नहीं आ रहा। गरीब लोगों तो पैसे दे के करा लेते, गरीब लोग तो अटक जाते 4-5 दिन के बाद ऐसा पेंडिंग पड़ जाता है, लोगों के काम छूट जाते, फिर यहाँ पर के चक्करा मार लेते, बैठना पड़ता। मेरा नाम मोहम्मद नदीम है,